नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भेंदर। महिलाओं की सुरक्षा के चलते और महिलाओं के किसी भी समस्या से निपटारे के लिए भेंदर पुलिस ने एक अनोखा उपक्रम शुरू किया है, जिसके चलते राज्य सरकार ने जो 112 नंबर का जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, इस हेल्पलाइन नंबर की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए, महिलाओं तक पहुँचाने के लिए भेंदर पुलिस ने पूरे अपने इलाके में जगह जगह पर होर्डिंग और पोस्टर का सहारा लिया है। हेल्पलाइन नंबर 112 किस तरह से काम करता है, कैसे इसे महिलाओं को या युवतियों को मदद मिलती है, आइए हम जानते हैं भेंदर पुलिस थाने के PI MB पाटिल से। भेंदर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में महिला और लड़कियों के ऊपर अगर कोई छेड़खानी होती है या अत्याचार होते हैं या तो फिर महिलाओं को सुरक्षितता प्रदान करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं श्री दाते साहब, उनकी एक अभिनव योजना है जिसमें साहब ने आदेश दिया है कि हर जुरिडिक्शन में पोस्टर लगाइए। अगर महिला या कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लेडी और उनकी अगर कोई छेड़खानी करता है तो डायल 112 112, ये टोल फ्री क्रमांक पे आप डायल कर सकते हो। भेंदर पुलिस स्टेशन का लैंडलाइन का नंबर भी हमने पब्लिश किया है और भेंदर पुलिस स्टेशन का एक मोबाइल नंबर भी हमने जो पब्लिश किया है उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े बैनर्स हमने जहाँ पर स्कूल है, कॉलेजेस है, जहाँ पर माता भगिनी और बहन महिलाओं की जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे उनका छेड़खानी हो सकता है, ऐसे जगह पे हमने फ्रंट एरिया में लगाए हमने वो, और उनके ऊपर अपील किया है कि अगर कोई लेडीज़ का कोई छेड़खानी करता है, उसका कोई मॉलेस्टेशन का ट्राई करता है तो तुरंत 112 के ऊपर टोल फ्री क्रमांक के ऊपर आप डायल करिए, तुरंत हम पुलिस को पता चलेगा और हम लोग वहाँ जा कर के महिला को सुरक्षा प्रदान कराएंगे और जो कल्प्रिट है उनको कानूनी कार्रवाई करने के लिए ताबे मिलेंगे। अभी ये जो डायल 112 जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अपने गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हर पुलिस स्टेशन को एक 4-व्हीलर गाड़ी और 2 पुलिस स्टेशन का एरिया के मुताबिक 2 2-व्हीलर गाड़ी, इसमें 2-2 पुलिस वाले और उनके ऊपर MDT करके एक यंत्र बिठाया गया, उन्होंने इंस्टॉल किया है और 112 कॉल ऑल ओवर महाराष्ट्र से कहीं भी जाता है तो प्राइवेट आउटसोर्स जो प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में जिस तरह से कॉलर ये होता है, कॉल सेंटर्स होते हैं, वैसे सिर्फ 112 के लिए नई मुंबई और नागपुर यहाँ पे 2 कॉल सेंटर्स है जो टोटली प्राइवेट और कॉरपोरेट इसके ऊपर है, प्रोफेशनल है सब, और वहाँ से जो जो पुलिस स्टेशन में MDT बिठाए वाले जो व्हीकल्स है उनके ऊपर जो वो कॉल ट्रांसफ़र होता है उनको दिखता है कि कॉलर का लोकेशन कौन सा है और वो जो व्हीकल है वो जो नियरर जो व्हीकल है उसके ऊपर कॉल जाता है और वो फॉलोअप करने के लिए हर पुलिस कंट्रोल रूम में एक सीनियर ऑफिसर बैठे होते और वो उनको गाइड करती है और वहाँ पे भेजती है और उनसे वो काम करवा लेते हैं। इसलिए 112 एक बहुत अच्छी सेवा उपलब्ध करा दी गई है हम लोगों को, आम पब्लिक के लिए। जो उबर और ओला जो जिस धरती के ऊपर ये काम करता है कि अगर कोई उबर या ओला बुक करता है तो वो उनके कॉल सेंटर्स में उनको दिखाई देता है कि कौन सी गाड़ी उनके पास में है तो उनको वहाँ डायरेक्ट की जाती है, तो इसी धरती के ऊपर ये जो काम चल रहा है ये और बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है और इसके बारे में तो हमारे पुलिस का आयुक्त साहब ही आपको अच्छी तरह से बता सकेंगे, लेकिन उसी बेस के ऊपर हमने मेरे जुरिडिक्शन में भेंदर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में हमने महिलाओं के लिए ये नंबर पब्लिश किया है और महिलाओं को हमने अपील किया है कि अगर आपको कोई चढ़ता है, आपको कोई तकलीफ हो तो ये नंबर पर फ़ोन करिए और पुलिस की सेवा उपलब्ध तत्काल उपलब्ध करिए। ये थे भेंदर पुलिस थाने के PI MB पाटिल, जो जानकारी दे रहे थे कि 112 जो काम करता है उसका तरीका इस तरह से बनाया गया है कि जैसे ओला और उबेर कंपनियां काम करती है कि राइडर को उसका नज़दीकी जो गाड़ी वाला है वो उसके पास तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसके चलते जो ऐप बनाया गया है उसी तरह से 112 नाम का भी जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो काम करता है वो इसी तरह से काम करता है कि जहाँ कहीं से भी महाराष्ट्र के किसी भी इलाके से, चाहे मुंबई हो या मुंबई से बाहर, केवल महाराष्ट्र तक ही ये 112 नंबर का जो नंबर जारी किया गया है, इसके चलते इस नंबर से कोई भी
संपर्क कर सकता है, अपनी पीड़ा बयान कर सकता है, उसके साथ में हो रही छेड़खानी या किसी भी प्रकार की समस्या के चलते वो शिकायत कर सकता है, जिस पर स्थानीय और करीबी जो पुलिस है वो उसे तुरंत रिस्पॉन्स करेगी, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगी, जिसके चलते महिलाओं के प्रति जो अत्याचार या अन्य किस्म के जो समस्याएं पैदा हो रही है वो उस पर काबू पाया जा सकेगा। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और अन्याय, इसके चलते पुलिस और सरकार एक तरफ जहाँ पर काफ़ी संवेदनशील होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है, ताकि जो जुर्म करने वाले जो लोग हैं उन पर काबू पाया जा सके और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसके चलते ये तमाम कोशिशें की जा रही है। 112 या हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आप सभी महिलाएं और विशेष रूप से युवतियां इस नंबर को सेव कर लें कि उनके साथ में कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई छेड़खानी का मामला होता हो या फिर किसी प्रकार की परेशानी हो पुरुषों के द्वारा, तो वो ज़रूर इस नंबर पर संपर्क करके पुलिस की मदद ले और पुलिस को मौका दे कि वो जो संबंधित आरोपी है या दोषी है उस पर कार्रवाई करें। एक तरफ जहां पर सरकार और पुलिस महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के हेतु काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है, काफ़ी संवेदनशील है, इसी के चलते 112 नंबर की हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस थाने का एक कमज़ोर पहलू भी आप दर्शकों और विशेष रूप से पुलिस के आला अधिकारियों को मैं बताना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले किसी भी पुलिस थाने में अगर कोई एक ऐसा मसला आ जाता है जहां पर पुलिस को लॉ ऑफिसर के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लॉ ऑफिसर के ओपिनियन के लिए वो फाइल को या पूरे दस्तावेज़ को थाना ग्रामीण में भेजा जाता है। हालांकि मीरा भाईंदर और वसई विरार ये दोनों शहरों को जोड़कर पुलिस आयुक्तालय बने एक साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक लॉ ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके चलते शिकायतकर्ता या पीड़ित या पीड़िता को न्याय मिलने में देरी होती है। अब हमें ज़रूरत है कि हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय का अपना एक लॉ ऑफिसर हो, जिसके चलते न्याय मिलने में तेज़ी, जल्दी और आसानी हो। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उठाई गई इस मांग पर पुलिस आयुक्तालय ज़रूर गंभीरता से दखल लेगा और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के लिए एक लॉ ऑफिसर नियुक्त होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।